स्वागत है। पहले तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आज एक ग्रैंड कंसर्ट हुआ और आरसीटी मॉल में, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना एंजॉय किया आपने और लोगों ने कितना एंजॉय किया? हम एंजॉय करते हैं क्योंकि लोगों को देखते हैं एंजॉय करते हुए जब वो साथ में गाते हैं, बिकॉज वट एवर वी डू, वट एवर वी आर, उनकी वजह से। सो जब वो एंजॉय करते गाना तो लगता है कि कुछ तो सही हो रहा है। सो आई थिंक, और मुंबई, दिस इज माई सेकेंड होम। यहाँ पर इतना काम मिला, इतना प्यार मिला, सो आई थिंक दिस इज़ वेरी स्पेशल प्लेस। मुंबई इज़ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर मी, क्योंकि आप एक एक के चेहरे को देखते हैं ना, तो वो एक रिएक्शन जो मिलता है ना गाने के लिए, दैट्स वॉट वी टेक बैक। सो शायद मैं उनको कभी नहीं मिली हूँ और पहली बार उनको देख रही हूँ, लेकिन वो जो रिएक्शन बहुत प्रेशियस होता है। सो हम इसीलिए स्टेज पे आते हैं और सबको सबके चेहरे देख के हम गाते हैं, एंड वी सिंग बिकॉज दे मेक अस सिंग। सो इट्स रियली स्पेशल। आपका स्टाइल ऑफ वेरिएशन बहुत अलग अलग रहता है, हमने देखा है, और वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है जी। और आपका लास्ट जो सॉन्ग है पठान का, काफ़ी हिट हुआ था जी, उस बारे में बताइए क्या कुछ जब आपने गाया आज कैसा? थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज, क्योंकि वो एक गाना जो है ना, वो मतलब मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि दैट सॉन्ग इज़ अबाउट लविंग योर सेल्फ, एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ जैसे हम हैं। एंड जब सब उसको समझ के जब गाते हैं ना, कि अपने तरीके से, अपनी तरह, तो लगता है कि हाँ, कुछ तो हमने सही कनेक्शन लोगों के साथ बिठाया है। क्योंकि जब हम कुछ गाते हैं और उनको वो कनेक्शन फील होता है, दैट्स व्हाट वी लिव फॉर। या कुछ प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं अगर बता सके मैम? नो, देयर आर सम प्रोजेक्ट्स, वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर इट, सम विद प्रीतम, विशाल शेखर, सचिन जिगर, एंड इस साल गाने हैं। और आपसे यही मतलब क्या बोले, एक उम्मीद है, एक 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 प्रार्थना है कि आप उसको भी बहुत प्यार दें। और मेहती का एंटरटेनमेंट जो आज ऑर्गेनाइज किया है, नए जो, थैंक्स टू देम दैट वी हैड दिस काइंड ऑफ अ स्मूथ शो, बिकॉज यू नो वो होता है ना कि ना, यू कम फॉर अ कॉन्सर्ट, बट इवन बैक एंड में भी वी हैड अ स्मूथ रन, नो जर्क्स, नो प्रॉब्लम्स। आई थिंक वी अंडरस्टूड ईच अदर, वॉट दे वॉन्टेड, वॉट वी वॉन्टेड, एंड साथ में हमने एक शो किया, और सही में आज बहुत मजा आया। वी ट्राइड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टुडे, बट वी हैड अ ग्रेट टाइम। या कुछ कहना चाहिए प्लीज सर? गो फॉर इट। सो हमारे लिए भी ये फर्स्ट टाइम ही था। सो इन टू द इवेंट्स, प्रोडक्शन तो यस हमने किया है, वी हैव ऑल्सो प्रोड्यूस्ड वन वेब सीरीज एंड ऑल, सॉन्ग्स किए हैं, एल्बम्स किए हैं। सो यस, इन टू इवेंट्स इज द फर्स्ट लाइव कॉन्सर्ट एंड एज वेल एज फर्स्ट एंटरिंग इन टू इवेंट, एंड शिल्पा मैम यू रॉक्ड इट, वी रियली एंजॉयड, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। And it was really great working, yeah. We also didn't feel that we are working with such huge celebrities. It was like, it's an honor to have you all. Make some noise for Mathik and Trin. It's a teamwork, guys. The thing is, first time event में आना, first time live concert करना, और एक होता है कि यार, वो singer जिनको हम pitch कर रहे हैं, या जिनसे, वो singer कौन से level पे है, और वो accept करेंगे, नहीं करेंगे, थोड़ा सा डर ओके फॉर योर फर्स्ट कमर, बट यस डेफिनेटली थैंक्स टू शिल्पा मैम, थैंक्स टू गिरीश भाई एंड ऑल, थैंक्स टू भाविनी एंड एवरीवन, वो दोनों की टीम ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके जो एक एस्टैब्लिश किया, यू नो बॉन्डिंग एस्टैब्लिश किया, सो यस इट वुड बी वेरी गुड टू वर्क विद शिल्पा मैम। आई हैड इन माय प्रोडक्शन सेट, आई डिडंट नो ये उनका पहला है, सुपर मैन, और ऑल द बेस्ट, और इसी तरह क्योंकि जो म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक जो हम सीखते हैं ना, उसमें वो एक लॉन्जेविटी के बारे में बात करते हैं, नॉवेल्टी के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी मेलोडीज, ऐसे राग बने हुए हैं जो सेंचुरी से चल रहे हैं, एंड क्योंकि वो सारे राग जो है बहुत सारे जीनियसेस ने बनाए हुए हैं, तो अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आपके गाने जो है ना, वो बहुत सालों तक अमर रहेंगे। दैट इज़ व्हाट वी आल्सो ट्राई टू पुट इन मेलोडी, टू पुट इन इमोशन इन द सॉन्ग, एंड देन इट कनेक्ट्स विद पीपल, सो दैट्स ऑलवेज द एफर्ट। जैसे हम सब जानते हैं शिल्पा राव जी के लिए वी हैव केप्ट दिस बिग कॉन्सर्ट, एंड घाटकोपर के लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो बहुत खुशी हुई परफॉर्म करके, एंड
अच्छा लगा, सब लोग गा रहे थे साथ में, सब लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, तो बहुत खुशी महसूस हुई। हमने सुना आपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं, लाइव कंसर्ट काफ़ी किए हैं जी, और एक अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस है, तो इतना मज़ा आता है, या क्या कुछ आप सोचते हैं कि ये करना है ये नहीं करना है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें चीयर अप करने के लिए? हमेशा बहुत सर बहुत मज़ा आता है ऑन स्टेज, सच्ची बताओ तो वो एक ऐसी फीलिंग है जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और ऐसा कोई फिक्स तो होता नहीं है, तो जैसे मतलब लोग जैसे रिएक्ट करते हैं वो नेचुरली वो सारी चीज़ें आने लग जाती है, कि अगर कोई गाना हो पर्टिकुलर गाना हो लोगों को देख के वो दिल से अपने आप आ जाता है, सो इट मेक्स अस हैप्पी एवरीबॉडी। कल आपको एक अवार्ड भी दिया गया वॉइस के लिए, वो क्या चीज़ें सर बताइए? सो वो था मुंबई अचीवर्स अवार्ड फॉर द बेस्ट आई थिंक सोलफुल वॉइस ऑफ द ईयर, तो आई एम रियली ऑनर्ड टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड एवरीबॉडी, क्योंकि इतने साल जो मेहनत की है, ऐसा लगा कि ये एक पहला पड़ाव था आगे बढ़ने की ओर, और या, हाँ जी हाँ जी प्लीज़। आज जो आप मेहती के एंटरटेनमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज ये इवेंट है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी हुई है कि आई एम रियली ऑनर्ड टू बी लाइक शेयरिंग द स्टेज विद शिल्पा राव जी, एंड इतना प्यारा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा भी आया, एंड आई विश कि ऐसे कॉन्सर्ट्स और होते रहे और हमें और आने का मौका मिले, सबके साथ यू नो इंटरेक्ट करें, सबके साथ और प्यार बांटने का और मौका मिले हमें। कुछ प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं या कुछ लाइनअप्स अगर बता सके आप? कुछ अभी रिलीजेज है, कुछ ओरिजिनल्स रेडी है, वी जस्ट वेटिंग फॉर द रिलीज। मेहती के एंटरटेनमेंट आप लोग से जाना चाहूँगा, आप लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है काफ़ी ग्रैंड लेवल पर, इट इज़ योर फर्स्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव हर्ड, क्या कुछ कहेंगे आप? एक्चुअली वी आर द प्रोडक्शन हाउसेस, तो फर्स्ट टाइम एवर वी आर एंटरिंग इन टू द इवेंट्स, तो एक टास्क था कि एंट्री मार रहे हैं अभी कैसे मारे क्या करें, तो उसमें शिल्पा राव जी ने एक्सेप्टेंस दे दिया, आगे बढ़ते गए फर्स्ट टाइम कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है इवेंट्स के थ्रू, मीन्स इन द लाइव कॉन्सर्ट दिस पीपल दे डू यू नो परफॉर्म, बट वॉट बिहाइंड द परफॉर्मेंसेज, वॉट द पीपल हैव टू डू, वॉट अ टीम हैज टू डू, दैट इज़ टू बी नोन वेरी वेल, सो ये एक नॉलेज भी मिल रहा है, प्लस सिद्धार्थ जी से मिलना, शिल्पा जी से मिलना, एक मौका पाना कि दे गॉट रेडी। एक तो अच्छी बात यह है कि फर्स्ट टाइम कोई प्रोडक्शन हाउस इवेंट में एंट्री मार रहा है, और उसमें फर्स्ट टाइमर होने के बावजूद वी गॉट एक्सेप्टेड बाई दी सिंगर्स, एंड दे टू वेरी मच वेल नोन सिंगर्स, थैंक यू सो मच। मैम आप प्लीज पूछिए। या सो हम लोग भी बहुत लाइक आई एम ऑल्सो ग्लैड कि सब आर्टिस्ट लाइक सिद्धार्थ जी, शिल्पा राव एंड एवरीबॉडी ने हमको सबको ने सपोर्ट किया आर सिटी मॉल, सो लाइक आज हम लोग ने बोला कि हम एक प्रोडक्शन हाउस है, हम लोग ने इवेंट में फर्स्ट टाइम एंट्री लिया है, एंड इट्स अ सक्सेस, सो वी आर वेरी हैप्पी, एंड इट्स सक्सेस बिकॉज ऑफ द आर्टिस्ट एंड आर टीम मेम्बर्स, एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीबॉडी and thank you। Siddhartha, being a singer, acting में भी रुचि रखते, if I'm not wrong, उस जोन में भी थोड़ा कुछ कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं? मैं करना definitely चाहता हूँ, अगर मौका मिले तो मैं definitely करना चाहूँगा।